हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन ईयर द क्वेश्चन सेज इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनेपल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स विच कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएपल प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज ईल्ड इसमें यह पूछ रहा है कि पाइनएपल प्लांट फ्लावरिंग जल्दी से नहीं करते हैं सो तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स आर्टिफिशियली इंड्यूस कर दें इसमें डाल दें सो so दैट इसकी फ्लावरिंग इंक्रीज हो जाए साथ में इसकी ईल्ड भी इंक्रीज हो जाए फर्स्ट इज ऑक्सीजन और इथैलिन का कॉम्बिनेशन सेकंड जिब्रेलिनियन साइटोकाइनिन थर्ड इज एंड एफसेसिक एसिड फोर्थ इज साइटोकनियन एब्सिसिक एसिड लेट्स सी द की कांसेप्ट हियर देखो की कांसेप्ट हमारा क्या है दैट इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन देखो प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ना बेसिकली ग्रोथ में तो इंपॉर्टेंट है ही दिख ही रहा है नाम से ही तो ये जो हार्मोन होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से मिल बने होते हैं जिनमें केमिकल कंपोजिशन होता है ठीक है तो पहला जो है वो तो एक्चुअल ग्रोथ करवा ही रहा है ये दैट इज बेसिकली डूइंग वॉट ग्रोथ सेकेंड जो है वो इनिबिट करा दे रहा है तो इनिबिशन भी जरूरी है स्ट्रेस की कंडीशन में ठीक है तो पहला जो हार्मोन है हमारा वो है ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन ऐसा हार्मोन है ना जो रूटनिंग हार्मोन है मतलब ये आपको एपिकल ग्रोथ कराता मिलेगा ये कभी आपको लेटरल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट नहीं दिखेगा ये लेटरल ग्रोथ कभी नहीं कराएगा ये तो ये हमेशा एपिकल पार्ट में होता है तो ये रूटनिंग हार्मोन ज्यादा है रूट की ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा रोल है ये इम्पॉर्टेंट भी है डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए प्लांट की ओरल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है मेनली है रूटनिंग हार्मोन एपिकल डोमिनेंस कराता है ये लेटरल ग्रोथ नहीं करेगा एपिकल डोमिनेंस करेगा एपिकल पार्ट में ज्यादा है सेकेंड जो है वो है जेबरेलिन जेबरेलिन देखो जेबरेलिन ऐसा हार्मोन है ना जो कि आपको इलोंगेशन में मिलेगा मतलब शूट की इलोंगेट कर रहा है मतलब लेंथ बढ़ा दे रहा है उसकी है ना तो ये क्या करता है शूट की इलोंगेशन करता है शूटनिंग हार्मोन नहीं है ये शूटनिंग हार्मोन नहीं है ये बट ये शूट की इलोंगेशन करवाता है और इसका मेन रोल भी यही है इलोंगेट करवाना इलोंगेशन ही मेन रोल है इसका थर्ड जो है हमारा है साइटोकाइनिन देखो साइटोकाइनिन ऐसा हार्मोन है जो नाम से पता पड़ रहा है साइट टू वर्ड में तो ये बेसिकली रहता है सेल डिवीजन में तो जहां जहां पे सेल डिवीजन हाईएस्ट अमाउंट में है वहां वहाँ आपको क्या दिखेगा साइटोकाइनिन इसका बेसिक रोल क्या है देखो जहां जहां सेल डिवीजन है तो वहां वहां नई सेल्स बनेगी तो शूट बड हो गई यंग फ्रूट हो गए नई नई लीव्स हो गई वहाँ वहां पर साइटोकाइनिन ज्यादा होगा तो ये हो गए हमारे ग्रोथ हार्मोन्स फर्स्ट जो इनिबिशन में आ रहा है वो है एसिड एसिड देखो ऐसा है है ना कि ये एक्चुअल में स्ट्रेस की कंडीशन में काम आता है कौन सी कंडीशन में स्ट्रेस की कंडीशन में ये क्या करता है जैसे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई तो वाटर लॉस हमको कम करना है तो ये स्टोमेटा बंद कर देगा जिससे वाटर लॉस कम हो जाए सेकंड ये क्या कर सकता है जब मान रहे हो मान लो जब इन्वायरमेंट की कंडीशन ठीक नहीं है तो ये सीट की जर्मिनेशन नहीं होने देता कि जब तक एन्वायरमेंट की कंडीशन ठीक नहीं होगी सीट डोरमेंट सी में रहेगा ठीक है तो एक तरह से सीट की डेवलपमेंट में भी काम आ रही है सेकेंड जो है हमारा इथाइलिन इथाइलिन ऐसा हारमोन है एक तो एक गैसीस हारमोन है दूसरा ये ऐसा हारमोन है जो आपको इनहिबिशन में मिल रहा है पर ये ग्रोथ भी करवाता है ये दोनों जगह काम आएगा मेनली इनहिबिशन है तभी इनहिबिशन में लिखा है इसको ठीक है ये क्या कराता है इसको हर चीज जल्दी करवानी है जैसे राइपनिंग करवा दो फ्रूट की राइपनिंग करवा दो है ना एप्सेशन करवा दो सैनिज करवा दो सीट की जर्मेशन जर्मिनीशन करवा दो डॉर्मेट से रुकवा के जर्मेशन जल्दी करवा दो फ्लावरिंग इंड्यूस कर दो तो हर चीज जल्दी करवानी है तो एजिंग भी जल्दी करवाता है सैनिज सेंस भी जल्दी कराएगा ओके सो so, हम अब ऑप्शन देख लेते हैं पहला है ऑक्सीजन एंड इथाइलिन इथाइलिन देखो मैंने बताया हर चीज जल्दी कराएगी तो फ्लावरिंग भी इंड्यूस करवाता है तो इसका बहुत बड़ा रोल है फ्लावरिंग इंड्यूस कराने में ऑक्सीजन क्या करेगा ग्रोथ और सपोर्ट देगा ये इसकी अच्छी खासियत होती है कि अर्ली बर्ड जो होती है ना अर्ली फ्रूट है अर्ली लीव्स है तो उनको ये बचा के रखता है कि इनको शेडिंग नहीं होने देंगे बट जो मेचोर है उनको जल्दी शेड कराता है तो इथेलिन यहाँ पे क्या करेगा फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा ऑक्सीजन क्या करेगा ग्रोथ और सपोर्ट देगा तो ये करेक्ट है सेकेंड जिब्रेलिन साइटोगाइन साइटोगाइन हमें पता है सेल डिविजन में काम आता है इसका फ्लावरिंग से कोई मतलब नहीं है और जिब्रेलिन इलॉगेशन का काम करता है ये गलत हो गया थर्ड इज जिब्रेलिन एंड एफसीसिक एसिड एफसीसिक एसिड तो खुद ही नहीं बेटा ये यूज तो करेगा नहीं फ्लावरिंग तो ये तो यही गलत हो गया और जेब्रेलिन हमेशा शूट के इलोंगेशन में इनमें ज्यादा काम आता है इलागेशन का मेन काम है इसका तो ये गलत हो गया फोर्थ इज साइटोइन एफसिसिक एसिड साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिविजन में काम आता है नई नई जगहों पर ज्यादा मिलेगा एफसीसिक एसिड तो खुद ही नहीं बेटा है तो ये भी गलत हो गया तो हमारा कौन सा आंसर जाएगा ए वाला ऑक्सीजन एंड एथाइलिन एल द करेक्ट ऑप्शन होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल Best of luck.